लोगों ने समोसे तो बहुत खाए होंगे, कभी चटनी के साथ, कभी उसे नमकीन के साथ। तो ऐसे ही आज हम आ चुके हैं हरिओम स्वीट्स एंड नमकीन। इसकी एक स्पेशलिटी है कि यहाँ पे आपको नॉर्मल समोसे तो मिलते ही हैं जैसे आप रेगुलर बेसिस पे खाते हैं, और यहाँ पे कुछ ऐसा भी है जो आपने कभी नहीं खाया होगा, वो है पास्ता समोसा। पास्ता समोसा मैंने भी पहली बार सुना है, और कौन समोसा भी मिलता है यहाँ पर, आज हम उसे ट्राई करने वाले। वैसे तो मैंने ये दूसरों के स्टोरीज़ वगैरह उस पर देखा है कि दिल्ली वगैरह में मिलता है, भोपाल में मैंने अब तक पहली बार देखा है, तो मैं आज जाके इसे चेकआउट करने वाली हूँ। आप भी मेरे साथ चलिए, देखते हैं अंदर जाके क्या मिलने वाला है। हमारा पहला समोसा है वो है पास्ता समोसा। इसमें मतलब ऑयली नहीं है ज़्यादा, काफ़ी अच्छा फ्लेकी समोसा है, क्रिस्पी भी दिख रहा है, और इसके आगे ऐसी रिंग्स बनी हुई हैं। चलो इसे ब्रेक करके एक बार देख लेते हैं पास्ता समोसा कि कैसा है उसका पास्ता। ये हमारा पास्ता समोसा की फिलिंग, ज़्यादा पीसेस नहीं है इसमें एक्चुअली समोसे में। ये इसमें कैप्सिकम भी है, अनियंस हैं, और पास्ता ये रेड सॉस पास्ता है। और ज़्यादा ब्रेक करते हैं। ये हमारे पास समोसे की बाइट, काफ़ी अभी गर्म है ये, अभी अभी निकले हैं समोसे। काफ़ी अच्छा समोसा है, पास्ता भी इक्वली, फ्लेवर्स वगैरह उसमें काफ़ी अच्छे हैं, स्पाइसी है ये, और पास्ता के आपको मतलब हल्का सा फ्लेवर आ रहा है इसमें, जिसमें लग रहा है कि आप पास्ता समोसा खा रहे हो, ऐसा नहीं लगेगा कि आपको कुछ और ही दे दिया हो। पास्ता का बिल्कुल फ्लेवर है इसमें, आप एक साथ दो चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हो, पास्ता भी और समोसा भी। नेक्स्ट हम ट्राई करेंगे कौन पास्ता, हम उसे भी देख लेते हैं एक बार। हमारा पास्ता समोसा काफ़ी अच्छा लगा था हमें, बहुत मतलब अच्छा था वो टेस्ट वाइज, और उसमें अच्छी अच्छी फिलिंग पास्ता की थी जिससे अच्छा टेस्ट आया। और नेक्स्ट है हमारा ये कॉर्न पास्ता है, ऐसे फ्लैट में, फ्लैट ट्रायंगल शेप में है ये। मैं इसे ब्रेक कर लेती हूँ एक सेकेंड, कॉर्न समोसा है। अब इसे ब्रेक करके आपको इसकी फिलिंग दिखाती हूँ मैं, हाथ तो नहीं आ। ये हमारा कॉर्न समोसा, इसमें कॉर्न है, और ये शायद कचौड़ी जो अपन खाते हैं ना फेस पर, शायद जो हम कचौड़ी खाते हैं ना, उसका जो अंदर का बेसन और दाल का जो मिक्सचर होता है, ये उसका मिक्सचर है, उसके साथ कॉर्न। एक बार उसे टेस्ट कर लेती हूँ, परफेक्ट बैलेंस है। स्वीट कॉर्न जो है वो हल्की से स्वीट है, इसमें जो कचौरी की जो फिलिंग होती है वैसा ही फिलिंग है, और काफ़ी अच्छा टेस्ट दे रहा है इसके साथ, कॉर्न के साथ परफेक्ट बैलेंस है, मुझे तो ये काफ़ी पसंद आया है। नेक्स्ट है हमारा चीज़ पनीर रोल, हमने ऐसा सोचा था कि वो हमें ब्रेड के फॉर्म में मिलेगा, बट ये हमें समोसे के ही फॉर्म में मिला है, और हमारा ये मैदे का ऐसा पफ टाइप का है। इसे मैं एक बार ब्रेक करती हूँ, चीज़ तो है, पनीर क्यूब्स हैं, और उसमें अनियंस हैं, और भी काफ़ी चीज़ें हैं, अनियंस और कैप्सिकम भी है, और पनीर हो गया। कुछ नया है और इंटरेस्टिंग है काफ़ी है, चीज़ का हल्का हल्का सा फ्लेवर है, मतलब इतना मैक्स तो नहीं है बट ठीक है, और काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ रहा है इसका, क्योंकि अलग से क्या भी आपको वेजीज भी क्रंच में आएंगी, कैप्सिकम अनियंस अच्छा है। मुझे पहले मतलब आप टेस्ट कर सकते हो एक बार, आपको अच्छा लगेगा तो ऑल गुड। तो
आज है हमारे साथ विनीत वर्मा सर, तो आज हम उनसे थोड़ा सा पूछ लेते हैं कि उनको ये आइडिया कहाँ से आया कि आखिर पास्ता समोसा जैसा हमें भोपाल में कहीं मिलता भी नहीं है। सर तो अभी मतलब ये शॉप को ओपन हुए कितना टाइम हो चुका है? शॉप को ओपन हुए तो करीब 35 साल हो गए। 35 साल। और सर जैसे अभी नमकीन वगैरह सभी चीज़ें हैं और समोसे तो काफ़ी टाइम से मिल रहे हैं। सर जैसे हमने पास्ता समोसा खाया, कौन समोसा खाया, सर ये सब मतलब आपको आइडिया कैसा है कि चलो कुछ डिफरेंट मतलब मिलता भी नहीं है लोगों को, एकदम से मतलब डिफरेंट हुआ? अब बड़े दिन खाने का शौकीन होने के कारण कुछ नया करने की चाहत रहती है, तो कुछ ऐसे ही तैयार किया और बच्चों की डिमांड के हिसाब से पास्ता समोसा, फिर कॉर्न समोसा। अभी भी आपका कुछ आइडिया प्लान है नया कुछ समोसे निकालने का? अभी नए समोसे में हमने निकालेंगे चिली पनीर समोसा। चिली पनीर समोसा कब तक मिलेगा मुझे बताइए, मैं जरूर आऊंगी वो ट्राई करने। करीब एक आध वीक में। मुझे तो सर बहुत मज़ा आया है, सारे यंगस्टर्स के लिए भी काफ़ी न्यू चीज़ है क्योंकि पास्ता हम लोग खाते हैं अलग अलग तरीके से कभी कुछ, तो हमें ये नया समोसे के साथ वेरिएंट मिला है। सो फाइनली हमारे समोसे फिनिश कर लिए हमने। जो हमारा फर्स्ट समोसा था वो था पास्ता समोसा जिसका प्राइस हमें 15 रुपीज़ था। सेकंड था हमारा कॉर्न समोसा, उसका प्राइस भी हमें 15 रुपीज़ था। लास्ट हमारा था चीज़ी पनीर रोल, वो हमारा 20 रुपीज़ का था। तो ये हमें काफ़ी वर्थ लगा था, मतलब ज़्यादा ना ज़्यादा प्राइस उसके हाई थे, काफ़ी अच्छा था वो। आप टेस्ट कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो उसको एक बार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और सब्सक्राइब हो चैनल।